वेल अपेयरिंग 6 month old इन्फेंट था, पेरोक्सिज्म थे ऑफ मशीन लाइक बर्स ऑफ कॉफिंग, आईज बल्जिंग, वाटरिंग, पर्पल फेस, फॉस पर पोस्ट का सेवा मैसेज. ठीक है, फैमिली रिपोर्ट्स के कुछ देर पहले कंजेशन, राइनोरिया, लो ग्रेड फीवर, स्नीजिंग थी, और ये सिम्टम्स अभी रिकवर हो रहे हैं. इफ़ यू आर लकी दे माइट गिव यू दिस ग्रेश मेम्ब्रेन जो आपको नजर आ रही है इसकी पिक्चर, और दे माइट गिव दिस पिक्चर, और दे कैन जस्ट से कि उसकी एक साइड जो है देयर इज अ बुल नेक अपेयरेंस ऑफ द नेक. ठीक है, लेकिन वो इतने परफेक्ट ग्रेड जो है मेम्ब्रेन और बुल नेक अगर लिख देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आपको फॉरन से डायग्नोसिस पता लग जाएगा. तो थोड़ी सी तो आपको मेहनत वो कराएंगे, इतनी आसानी से डायग्नोसिस सामने नहीं रखते. तो दिस इज वॉट डिफ्थीरिया. दिस इज अ वेरी वेरी एग्जाम फेवरेट टॉपिक. एवरी 2 to 3 years दिस टॉपिक इज बाउंड टू टर्न अप. इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए आपको कि रेस्पिरेटरी में लेरिंजियल और फेरिंजियल वैरायटी है, देन दिस क्यूटेनियस. डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है कल्चर फ्रॉम नेसोफेरिंजियल मेम्ब्रेन. बाकी यू कैन ऑलवेज से सीबीसी कराएंगे, सीआईपी कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे. ये सारी आपने साथ साथ बोलनी होती है, लेकिन ऑब्वियसली आई कैन नॉट नरेट ऑल ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन टू यू इन एवरी टॉपिक. ये चीजें, ये बेसिक आपने खुद याद रखने हैं. ये आपको इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेशन, ये बात मैंने आपको 100 times, गजिलियन टाइम्स बता चुकी हूँ. कॉम्प्लिकेशन इसकी दो नहीं पता होंगी, माफी नहीं है. टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी कैन मैनिफेस्ट एज अरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक्स, हुकम एंड डीसीएमपी. टॉक्सिक न्यूरोपैथी कैन मैनिफेस्ट एज क्रेनियल न्यूरोपैथी. इवेंचुअली ट्रीटमेंट क्या होती है? डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन आती है जो कि आईवी देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईवी देते हैं. 20,000 to 1 lakh यूनिट्स है. और एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन 14 days, एरिथ्रोमाइसिन इन चिल्ड्रन हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन. वैक्सीनेशन का डेफिनेटली पूछेंगे अगर ये सिनेरियो आएगा. तो द डोज इज गिवन एट 2, 4, and 6 months एंड देन 15 and 18 months, और बूस्टर एट 4 to 5 years. लेस देन 7 years में आप डी टैप देते हो, उसकी हाई लिमिट ऑफ फ्लॉक्युलेशन होती है. मोर देन 7 years में आप टी डैप देते हो, लो लिमिट ऑफ फ्लॉक्युलेशन. टी डैप के अंदर क्या मसला है कि इसके अंदर रिएक्टोजेनेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी दोनों में सेम होती है. दैट्स वाई वी यूज टी डैप आफ्टर 7 years. वो ये अगर आपसे वैक्सीन का सवाल पूछेंगे तो ये बिल्कुल पूछेंगे कि डी टैप